कार्निवोरस ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद वो एक नरक जैसे चैम्बर में उठती है। वहाँ पर और भी लोग हैं जो उसके जैसे फंसे हुए हैं और इस जगह पर कुछ है जो इनका शिकार कर रहा है। तो ये लोग यहाँ से कैसे बच पाएंगे और ये कौन सी जगह है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, इस मूवी का कंसेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बिलो एवरेज था। इसका डायरेक्शन इम्प्रेसिव नहीं है और परफॉर्मेंसेस डिसेंट लगते हैं। हालांकि कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे मिसिंग लगा और कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते, फिर भी इस लड़की का जो कैरेक्टर है उसकी जर्नी को आप फॉलो कर पाते हो। इसके विजुअल इफेक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें कन्विंसिंग ज़रूर लगती है। जो क्रिएचर्स उन्होंने दिखाए हैं वो हमें पसंद तो नहीं आते, लेकिन इस जगह पर हम थोड़ा बहुत यकीन कर पाते हैं। हालांकि कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, जो बात मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी। ये सिर्फ 1 घंटा और 23 मिनट की मूवी है और ये हमें बोर भी नहीं करती। पहले 10-15 मिनट हमें इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स की वजह से मूवी हमें सिर्फ डिसअपॉइंट करती है। इसका स्क्रीन प्ले मुझे पसंद आया, लेकिन सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ज़्यादातर ये मूवी अंधेरे में ही है, जो बात हमें इरिटेट करती है। इसकी हिंदी डबिंग अच्छी है और इसमें डायरेक्टली कोई एडल्ट सीन नहीं है। बस एक सीन में एक लड़की को बिना वस्त्रों के दिखाया है, लेकिन वो सीरियस सीन है। प्रो ऑडियंस को ये पसंद नहीं आएगी और ओवरऑल ये एक बिलो एवरेज मूवी है। मूवी का कंसेप्ट बढ़िया है, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स की वजह से ये हमें डिसअपॉइंट करती है। इसमें एक एंड क्रेडिट सीन भी है, लेकिन इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है। मैं इस मूवी को दूंगा 4 out of 10। मैंने प्लेन मूवी का भी रिव्यू कर दिया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। 'Cause I've been living life.